नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल विवेक राणा स्टॉक्स में। अगर आप चैनल नए हैं जिन्हें सब्सक्राइब करें, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलें ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो सके। तो दोस्तों, आप सभी की रिक्वेस्ट में नीचे किसी ने कॉमेंट किया था एक स्टॉक के बारे में जो हमने आपको बहुत पहले रिकमेंड किया था जस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन पर्पज, एंड उस स्टॉक ने आज हमें मोर देन मतलब दो कंपनीज है जिसका नाम नीला स्पेस है, एक दूसरी कंपनी का नाम नीला इंफ्रा कंपनी है। तो दोनों आप हो सकते हो भाई बहन है, मतलब सेम कंपनी है, बस दो कंपनी में इन्होंने डिवाइड कर रखी है। तो दोनों कंपनीज बहुत सस्ते दामों में मतलब पैनी स्टॉक्स थे जो हमें अभी मोर देन 2x और 3x का रिटर्न दे रहे हैं। तो क्वेश्चन अब आता है कि अभी इन स्टॉक्स में क्या करें। तो यही इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि भैया अभी का आगे की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो अगर आपके पास स्टॉक है तो बाय करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए या सेल करना चाहिए, तो देख लेते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को अंत तक देखिए और अगर आपको सुझाव है या फिर आप किसी स्टॉक के बारे में जानना चाहते हो, पूछना चाहते हो या फिर कुछ भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो और डेफिनेटली वीडियो के रूप में उसको लेके आ जाऊंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कुछ देख लेते हैं हमारा पुराना वीडियो। ठीक है, उस समय ये नीला स्पेस जो है 3 रुपए का स्टॉक ओवर ट्रेड कर रहा था और मैंने आपको क्लियर कहा था कि 2 रुपए 70 पैसे 2 रुपए 80 पैसे का इसका सपोर्ट बनता है एज पर चार्ट। सबसे अच्छी एंट्री स्टॉक की बनती है 2 रुपए 80 पैसे और एग्जैक्टली स्टॉक ने बहुत बार 2 रुपए 80 पैसे के आसपास सपोर्ट लिया। तो अब क्वेश्चन आता है कि स्टॉक में क्या करना चाहिए। तो देख लेते हैं कि हमारी नेक्स्ट स्टडी स्टॉक में क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों, अभी जो नीला स्पेस है 5 रुपए 50 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है, राइट। अब चार्ट से आप थोड़ा समझाते हैं कि स्टॉक में हमारी नेक्स्ट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, उसके बाद बात करेंगे इसके करंट फाइनेंशियल। तो चार्ट के अकॉर्डिंग जैसे मैंने बहुत क्लियर आपको कहा था कि स्टॉक का सपोर्ट बनता है 2 रुपए 70 पैसे और बहुत टाइम मैनी टाइम स्टॉक ने यहाँ सपोर्ट लिया, रिस्पेक्ट किया। ठीक है, यहाँ से एक अच्छी मूवमेंट ऑलरेडी आई थी, उसके यहाँ सपोर्ट द्वारा इजरी लिया और दोबारा स्टॉक पे तेजी आ रही है। तो चांसेस पैरी में शायद कि स्टॉक अपना हाई तोड़ सकता है लास्ट वाला। तो अगर आपके पास स्टॉक है तो आप स्टॉक को होल्ड करो और जिनको स्टॉक को बाय करने का ज्यादा मच रहा है कि भैया मुझे बाय करना चाहिए अभी, तो मत करो। आपको बाय करना चाहिए स्टॉक को 3 रुपए के रेंज में, आएगा मौका मिलता है मार्केट में मौका मिलता है 1.5 रुपए का आपको ऐसा लगाना है सिंपल सा और आप वेट कर सकते हो स्टॉक में एटलीस्ट बर्न बड़े टारगेट के लिए। वो बड़े टारगेट कितने होंगे मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। वो बनते हैं आपके ऑलमोस्ट 11 रुपए के टारगेट, मतलब 13 रुपए के इसके फाइनल टारगेट है स्टॉक के मेरे हिसाब से, मेरी स्ट्रेटेजी के हिसाब से। ठीक है, तो 13 रुपए के लिए आप वेट कर सकते हो अगर आपके पास है। और नया फ्रेश एंट्री करनी है तो कहाँ करोगे, 3 रुपए के भाव में अभी नहीं करोगे। अब प्रॉफिट की बात करते हैं तो कुछ कंपनी के जो नंबर्स है, कंपनी को 12 करोड़ का प्रॉफिट हुआ अभी लास्ट दिसंबर के क्वार्टर में, तो भाई बेहतरीन नंबर कंपनी ने दर्ज किए, इसी वजह से स्टॉक का प्राइस यहाँ पर रॉकेट हो रहा है और अपर सर्किट में हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, रीजन समझ आ गया आपको। उस समय देखो लॉस मेकिंग कंपनी थी, 0.00 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, अचानक से प्रॉफिट 12 करोड़ का हो गया। तो यही रीजन बनता है पैनी स्टॉक के ऊपर जाने का। तो लोग पूछते हैं कि ये पंप एंड डंप है, नहीं भाई, लॉजिकल तरीके से जाओगे तो यही होता है। अगर आप यहाँ स्टॉक को पकड़ोगे, आप प्रॉफिट 12 करोड़ का है, अब इसको देख के बाय करोगे 5 रुपए 6 रुपए के भाव में आपको बाय मिलेगा। लेकिन अगर आपने टेक्निकल पार्ट को देख के बाय किया होता तो 2 रुपए 70 पैसे में आपको बाय मिलता। तो फर्क है ना जमीन आसमान का। यहाँ आपने 5 लाख डाला, यहाँ 5 लाख डालोगे तो डिफरेंस है, आप ऑलरेडी यहाँ प्रॉफिट में हो 5 लाख के। लेकिन अगर यहाँ डालोगे तो आप 5 लाख के नुकसान में भी आ सकते हैं क्योंकि प्राइस नीचे भी आ सकता है। यही डिफरेंस है अगर आप अच्छी एंट्री का इंतजार करते हो, अगर आप हमारे वीडियो सीखते हो। ठीक है, अब बात करते हैं इसके दूसरे भाई के बारे में जो है नीला इंफ्रा। तो नीला इंफ्रा जो स्टॉक है कितने ट्रेड कर रहा है अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो नीला इंफ्रा ऑलमोस्ट 13 रुपए के भाव में ट्रेड कर रहा है। ये भी स्टॉक आपको हमने कहा सजेस्ट किया था, ऑलमोस्ट यहाँ सजेस्ट किया था ऑलमोस्ट 5 रुपए के भाव में। तो ये स्टॉक ने बहुत अच्छा रिटर्न हमें कमा के दे दिया है। ठीक है, अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है, ये स्टॉक क्यों भागा ऊपर, तो देख लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट। और साथ में अगर आपके पास स्टॉक है तो होल्ड करो क्योंकि इसके टारगेट आई थिंक अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कितने रुपए के टारगेट बचे हुए इसके। ठीक है, तो यहाँ पर कंपनी के प्रॉफिट खोल लेते हैं हम। तो यहाँ पर कंपनी को 3 करोड़ का प्रॉफिट हुआ अभी, जो अच्छा खासा प्रॉफिट हमें देखने को मिलता है लास्ट 4-5 क्वार्टर्स में। ईयरली प्रॉफिट भी आप लोग देख सकते हो, कंपनी को 6 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। तो जो पहले 2 करोड़ 3 करोड़ और सोने का आता था, जो बढ़कर अब 6 करोड़ का हो चुका है। तो कंपनी के प्रॉफिट में अच्छी खासी ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। यहाँ अच्छे खासे प्रॉफिट आते थे बेशक, लेकिन अभी कंपनी का प्रॉफिट लास्ट 2-3 सालों में एक अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिल रही है। प्रॉफिट में एक मोमेंटम पकड़ा जा रहा है, तो डेफिनेटली ये जो सेल्स है, ठीक है, डेफिनेटली ग्रो होगी, इसको तोड़ेगी और नए प्रॉफिट आपको देखने को मिलेंगे 16 करोड़ के 23 करोड़ के 22 करोड़ के बहुत जल्द मेरे हिसाब से। ठीक है, और श्योरिटी पैटर्न स्टॉक का बहुत जबरदस्त है, 62% के आसपास प्रमोटर होल्डिंग अभी भी इनटेक है। ठीक है, तो अब बात करते हैं स्टॉक के टारगेट की। नीला इंफ्रा के जो टारगेट बनते हैं वो बनते हैं 26 रुपए के।
चाहो तो यहाँ पर आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, 1x आपको ऑलरेडी आ रहा होगा, और आप फिर इंतजार करते हो 26 रुपए के टारगेट के लिए, मतलब ये स्टॉक अपना जो ऑल टाइम हाई है उसको भी तोड़ सकता है। ठीक है, तो फाइनल टारगेट मेरे 26 रुपए के है, चाहो तो यहाँ पर आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो नीला इंट्राडे। तो ये मेरा व्यू था नीला स्पेस नीला इंट्राडे, आशा करता हूँ आपको पैसा कर बना होगा। अगर आपका पैसा मल्टीप्लाई हुआ होगा तो आप लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। ऐसे स्टॉक के अगर आपको स्टॉक चाहिए जो आपको अच्छे रिटर्न फ्यूचर में दे सकते हैं तो नीचे कमेंट करो, मैं वीडियो लेके आता रहूंगा नए। ठीक है, बाकी मिलते हैं।